तो गुड इवनिंग ऑल। तो नाज गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आरुषा, अपराजितो, काजल, गुड इवनिंग मनीषा, ज्योति प्रिया, लक्ष्मी सुतार, रेणुका साहू, अंजलि, गुड इवनिंग नीला, जेनिफर, विवेक, गुड इवनिंग रोमिला मैम, यस, गुड इवनिंग एलके, माधव, विवेक, प्रियंका वर्मा, फातिमा, श्वेता सिंह। मेरे स्क्रीन के ऊपर आप लोग हमारे जो IFS के जितने भी कोर्सेस हैं उन कोर्सेस को आप यहाँ पर देख रहे हो। जैसे कि लाइफ साइंस में अगर हम बात करें CSIR नेट की, तो उसमें लाइफ साइंस है, केमिकल साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, फिजिक्स है वहाँ पर। उसके अलावा गेट में गेट बायोटेक्नोलॉजी, एक्सेल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, IIT जम में बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, नीट है, DBT है, जनरल एप्टीट्यूड, वेरियस कोर्सेज की लिस्ट है, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। गुड इवनिंग प्रियंका, श्वेता, सौम्या, सुनीता, अर्चना, तानिया, ये सुरजी, सतदुर्धा, प्रियंका, ज्ञानेश्वरी, दिव्यश्री, अलोक, आरुषि, अंबिका, रियाज, निकिता, ऑल इंडिया मस्ती, बायोलॉजी, पिंकी, बायोमेट, यस, वेरी गुड इवनिंग कुलभूषण, यस आशु, गुड इवनिंग गायत्री, कोसार, देवयानी, इप्तिसा, प्रियंका, गुड इवनिंग विशाल सर, रिया, स्वास्ति, रितिका त्रिपाठी, रंजीत, संजू कुमारी, गुड इवनिंग प्रवीण, वर्षा, प्रणाली, यस, ली मिनहो, रूपाली, श्वेता, दिव्यश्री, सुमन, शाइन, प्रेरणा, किरण के। इसके बाद ये आप मेरी स्क्रीन के ऊपर एक टीम देख रहे हो, और ये टीम जो है वो अगले 6 दिन आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लेके आ रही है कि जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। इंडिया की बेस्ट टीम लाइफ साइंस के लिए अभी आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। एक से बढ़कर एक महारथी आपको यहां पर दिखेंगे, जो कि अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट है, जो आपको बहुत सारी चीजें फ्री में देने वाले हैं। क्या है वो डेफिनेटली हम यहां पर डिस्कस करेंगे। व्हाट एवर इट टेक्स टू ट्रांसफॉर्म योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। यस प्रेरणा, गुड इवनिंग आशा, मृणाल, कृष्णा, थैंक यू सो मच राजीव सर फॉर योर अप्रिसिएशन। ओके, गुड इवनिंग राधेश्याम सर। राजीव सर, प्लांट फिजियोलॉजी के अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स है जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है। यस, गुड इवनिंग समरीन, प्रकाश। चलो, सबसे इम्पोर्टेंट काम, बेसिक काम होता है हमारा यहाँ पर आते ही, और वो क्या होता है कि लेक्चर का लिंक जो है वो हमें शेयर करना होता है। जल्दी से जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उन सब में ये लेक्चर का लिंक जो है आप वो शेयर करो। यस, गुड इवनिंग प्रकाश, ओम प्रकाश, प्राची, गुड इवनिंग विश, लक्ष्मी प्रिया, मनीषा, नीलेश, रेणुका, ज्ञानी, सुमैया, नमिता, रुकू, तोहित सर, चंचल, अंजुम, सूर्या, प्रीति, संजना, निशा, जानकर, राजा, हर्षा, वेरी गुड इवनिंग संजय,
दिस इज द एवेंजर टीम ऑफ लाइफ साइंस संजय एंड थैंक्स लॉट पारुल गुड इवनिंग प्रियंका शुभश्री एनजी ज्ञानेश्वरी अर्पित आई थिंक एनजी मुझे लगता है कि एक्सलेंट वर्ड यहाँ पर छोटा पड़ जाएगा इस फ्रेम के लिए शायद से हमें कोई नया वर्ड ढूंढना पड़ेगा कोई वर्ड होगा ही नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा इस फ्रेम के लिए डेफिनेटली मेरा ये मानना है ऐसा गुड इवनिंग अर्पित उद्धव लोने गायत्री अंकिता समझ रहे हो क्या है ये टीम मतलब क्या लेके आ रही है ये टीम आपके लिए क्या नया होगा आपके लिए इस के अंदर तो यहां पर आप देख सकते हो जो अभी हमें पता है कि डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट का अनाउंसमेंट हुआ है उसको हम कहते हैं ड्यूएट दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट प्रीवियस ईयर डिस्कशंस आपको जल्दी ही इस चैनल पे अवेलेबल होंगे और इसके अलावा जो हमारा आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी चैनल है उसके ऊपर भी अवेलेबल होंगे और वेरी सून ऑलरेडी कुछ डिस्कशंस वहां पर अपलोड किए हैं हम डेली कर रहे और सारे मतलब बायोकेमिस्ट्री के लिए यहां पर आपको प्रीवियस ईयर के मिलेंगे बॉटनी के लिए जूलॉजी के लिए माइक्रोबायोलॉजी के लिए एंड जेनेटिक्स के लिए भी आपको यहां पर क्या मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशन मिलेंगे डेफिनेटली आई एम ट्राइंग टू टेल यू द थिंग्स विच आर हैपनिंग ऑन आवर आईएफएस यूट्यूब चैनल तो आप इसका बेनिफिट लो इसकी वजह से तो वेरी गुड इवनिंग ऑल वन एंड ऑल यस गुड इवनिंग लेट्स ग्रो टूगेदर एंड ग्लो टूगेदर थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएशन लेट्स ग्रो टूगेदर लेट्स ग्लो टूगेदर ठीक है मोंटी देखते डेफिनेटली यहां पर हम कर सकते हैं क्लियर है यस हरिप्रिया डेफिनेटली जल्दी होगा अमन एसिड का भी लेक्चर है अल्फा बीटा गामा हमारी वेबसाइट के ऊपर बीटी एंड एक्सेल दोनों के पीडीएफ अपलोडेड है इसके अलावा और आपको क्या मिलेगा तो इसके अलावा भी यहां पर आप देख सकते हो कंप्लीट 360 डिग्री प्रिपरेशन आपको मिलेगा क्या कंप्लीट 360 डिग्री प्रिपरेशन और क्या है देखो यहां पर ड्यूएट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो इंडिया के टॉप एजुकेटर आपके लिए लाएंगे एक्सक्लूसिवली इस आईएफएस ऑनलाइन चैनल के ऊपर तो अगर आप प्रिपरेशन करें तो बहुत अच्छी बात है आपको तो बाय डिफॉल्ट बेनिफिट होने वाला है आप चाहे सीएसआर कर रहे हो डीयू जेएनयू बीएचयू आईआईटी एग्जाम किसी भी एग्जाम का टीएफआर का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये 25 क्वेश्चन हर एक फैकल्टी से आपको मिलने वाले वो तो आपको फायदा होगा इसके अलावा अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जूनियर है सीनियर है अगर वो प्रिपरेशन कर रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का डेफिनेटली आप उनको इस चैनल को शेयर कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलो उनका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है ये जो 6 डेज की सीरीज है 3 सितंबर से 9 सितंबर तक यहां पर क्या होगा जो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर है वो आपको एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चंस देंगे हर एक सब्जेक्ट से बायोकेमिस्ट्री से सेल बायोलॉजी से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जेनेटिक्स से माइक्रोबायोलॉजी से बॉटनी से जूलॉजी से टेक्निक से ये फैकल्टी अपने एक्सपीरियंस से आपको मोस्ट 25 क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है कि डीयू के एग्जाम में आ सकते हैं अगर इनको करो तो हो सकता है कि 60-70 क्वेश्चंस में आपको फायदा हो तो ये बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए तो इसका फायदा आप भी उठाओ और आपको लग रहा है कि मेरा कोई फ्रेंड है या फ्रेंड का भाई है वो प्रिपरेशन कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए तो डेफिनेटली आप उनको तक ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो डेफिनेटली बायोकेमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आपको भी लगने वाले हैं सेल बायोलॉजी के लगने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स माइक्रोलॉजी हर किसी का आपको तो फायदा होगा ही होगा तो देखना है तो ये लेक्चर ये जो है क्वेश्चंस वो कल से आना स्टार्ट होंगे तो 3 सितंबर टू 9 सितंबर ये यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के ऊपर होंगे
जल्दी से जल्दी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बी क्विक चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। एक चीज मैं आपको सब लोगों को यहां पर ऑनेस्टली बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल का कोई भी वीडियो देखोगे, किसी भी वीडियो पे जाओ, हमने चैनल का मोनेटाइजेशन करके नहीं रखा है, कोई भी एडवर्टाइज हमारे चैनल के ऊपर नहीं आता है, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहते। अगर आपको लग रहा होगा कि इससे हमें पैसे मिलते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है, वहां पर हमने कोई भी एडवर्टाइजमेंट ऑन नहीं करके रखा है, इससे हमें सिंगल रुपीज भी नहीं मिलता। हम अगर आपको कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, तो इसमें जस्ट सिंपल सा यहां पर कंसेप्ट है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लाइक आते तो डेफिनेटली वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, एक बेसिक टाइप का हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैक्सिमम लोग लाइव आ रहे हैं, मैक्सिमम लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो हमें भी काम करने के लिए और बेटर तरीके से परफॉर्मेंस देने के लिए एक टाइप का मोटिवेशन आता है। बस ये ओनली सोलली पर्पज है, नहीं तो आप किसी भी बाकी चैनल पर देखो आपको वहां पर एडवर्टाइज आएगी, आप एडिट होना स्टार्ट होते हो, लेकिन IFS ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे कोई भी एडवर्टाइज नहीं आती है। लाइक करने को बोल रहे हो सिर्फ इसलिए कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आपकी साइड से, बस इसलिए, और कोई भी यहां पर दूसरा इसका पर्पज नहीं है। क्लियर है? देन आज बहुत सारे लोगों ने दादा साहेब सर का RNA इंटरफेरेंस का लेक्चर मिस किया है, तो वो लोग ये लेक्चर होने के बाद उसको देखो, वो वहां पर प्रेजेंट है। लेकिन कल जो है, कल होगा यहां पर डिस्कशन, कंसेप्ट चेक होगा, जो आपने आज पढ़ा है वो कल आपका कंसेप्ट चेक जो है वो दादा सर करवाएंगे। क्लियर है यहां पर? यस और नो? ठीक है, तो चलो उसके बाद, अभी तक लिंक शेयर नहीं करा तो जल्दी जल्दी लिंक शेयर करो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहां पर एक सिंपल सी बात है कि हम कल जो पढ़ रहे थे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, उसमें कुछ चीजें बाकी है, पहले उनको कवर करेंगे और बाद में हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर 14 है, सक्सेसफुली हम यहां पर आगे बढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी में, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, स्पेशली मैं बहुत मतलब अच्छा फील कर रहा हूं, इतना अच्छे तरीके से आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, लाइव सुन रहे हो, जो बातें बता रहा हो वो सारी चीजें आप यहां पर सुन रहे हो, तो इसलिए बहुत सारी चीजें सही है। ठीक है, यहां तक सारी बातें। ड्यूएट एग्जाम कब रहती है, फॉर्म ओपन कब होता है, आरू, इसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, आपको वहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लियर है? उसके बाद जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और उस प्रॉमिस को मैं कंप्लीट करूंगा, प्रॉमिस आपसे किया था कि आप मेरे कल के वीडियो को 1K लाइक करिए, ये वीडियो परमानेंटली यूट्यूब चैनल पे रहेगा, IFS ऑनलाइन पे उसको कोई नहीं हटाएगा, और आपने मेरी बात मानी। पहली बार यहां पर एक दिन में 24 आवर्स से, कल ही हम गए थे, कल ही इसी टाइम पे लेक्चर हुआ था 8:30 बजे, मतलब 8 बजे लेक्चर खत्म हुआ था, और अभी तक 24 आवर्स भी नहीं हुए, और आप लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, क्लियरली आपको दिख रहा है यहां पर 1K लाइक विद इन लेस देन 24 आवर्स हो गए, लेस देन 24 आवर्स। ठीक है, तो मैंने आपको जो चैलेंज किया था वो आपने कंप्लीट किया है, तो कल का जो वीडियो है लेक्चर 13 वो कभी भी चैनल से रिमूव नहीं होगा, वो परमानेंटली वहीं पर रहेगा। अब आपको इस लेक्चर को 1000 बार देखना है, 10,000 बार देखना है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से वहां पर जाके देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि हम बाकी वीडियोस के लाइक्स भी 1000 तक पहुंचाएंगे, तो यहां से आगे आपके पास चांस है, ओनली लाइव नो रिप्ले, ये हम कह रहे। तो आज के वीडियो के भी लाइक अगर 1000 हो गए तो डेफिनेटली वो वीडियो भी वहां से कहीं नहीं जाएगा। क्लियर है यहां पर? यस और नो? पीडीएफ डाउनलोड हो रहे सविता, बहुत सारे स्टूडेंट ने पीडीएफ डाउनलोड किए, एक बार लेक्चर के बाद मैं फिर डेमो दूंगा कि आपको कैसे पीडीएफ को डाउनलोड करना है, वो लेक्चर दिया। यस संजय, दिस चैलेंज, ये जो चैलेंज है ये आज भी कंटिन्यू है, यहां से आगे वाले हर एक वीडियो को कंटिन्यू है। आप
किसी भी वीडियो को 1000 लाइक पे पहुंचा दीजिए। उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वीडियो यूट्यूब से कभी भी नहीं हटेगा। अगर आप चाहते हो कि आईएफएस जो है वो अपने वीडियोस यूट्यूब पर परमानेंट रखे, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर विद इन 24 आवर्स आपको 1K लाइक पहुंचाने हैं, वो वीडियो वहीं पर रहेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। यस सुश्री, हम पीडीएफ के ऊपर बाद में आएंगे, लेक्चर खत्म होने के बाद तो हम उसको बताऊंगा मैं फिर एक बार कि कैसे उसको डाउनलोड करना है। डोंट वरी अबाउट दैट, क्लियर है? चलो, तो अब हमने सारी काम की बातें कर ली है, तो कल के लेक्चर को 1000 लाइक्स करने के लिए मैं आप सब लोगों को यहां पर थैंक यू कहना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छा काम किया है और इससे भी अच्छा काम हम और कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो हम आ गए थे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, हम वहां पर सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ चुके थे, कैल्शियम पंप है वो भी हम पढ़ चुके थे। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड मतलब नेक्स्ट पंप, दैट इज H+K+ पंप, और हम पढ़ रहे हैं क्या यहां पर P टाइप्स ऑफ पंप को हम डिस्कस कर देते। तो बेसिकली हम यहां पर कह रहे हैं कि दिस इज नॉट ए इलेक्ट्रोजेनिक पंप, मतलब ये काम करेगा तो भी यहां पर जो चेंज है +1 +2 वाला वो चेंज यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? उसका मैकेनिज्म आराम से समझेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ये जो पैराइटल सेल्स होती है स्टमक की, तो उनके मेम्ब्रेन पोटेंशियल में वहां पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर H+K+ पंप जो है वो इलेक्ट्रोजेनिक पंप नहीं है। हम क्या कह रहे हैं यहां पर कि H+ पंप जो है इट इज प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट आर पी टाइप ऑफ मेजर इलेक्ट्रोजेनिक पंप। अब हम क्लियरली यहां पर समझो दो बातें क्या कह रहे हैं यहां पर। एक तो कह रहे हैं कि जो H+ पंप है विच इज प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, और वो प्लाज्मा ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट के ऊपर, तो वहां पर जो H+ पंप है दीज आर मेजर इलेक्ट्रोजेनिक पंप। लेकिन जो मैमल्स के अंदर या स्पेशली ह्यूमंस के अंदर का जो H+K+ पंप है ये मेजर इलेक्ट्रोजेनिक पंप नहीं है। क्लियर है? तो इन जनरली यहां पर हम ऐसी कुछ बात कर सकते हैं। अगर इसको समझना है तो इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, तो इसको हम आराम से समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर हो क्या रहा है। अब पूरा फोकस जो है वो आप कहां पर डाल दो, यहां पर स्क्रीन के ऊपर डालो, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो कि यहां पर क्या कहना चाह रहे हो। क्लियर है? तो ये देखो यहां पर कुछ चीजें हमें दिख रही है। एक तो स्टमक का ल्यूमेन है, और उस स्टमक के ल्यूमेन में हम फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। यहां पर ये जो सेल है उस सेल का ये साइटोसोल दिख रहा है आपको, ये पूरा पोर्शन, और इस साइड पे ब्लड दिख रहा है। तो यहां पर जो स्टमक है, स्टमक का लुमेन है, इस स्टमक के लुमेन का पीएच जो है वो हमें मेंटेन करना है 1। स्टमक का पीएच क्या मेंटेन करना है हमें यहां पर 1 मेंटेन करके रखना है। जबकि हम कह रहे हैं कि जो साइटोसोल है इस सेल का, पैराइटल सेल हम उसको कह रहे हैं, उसका पीएच जो है वो 7.2 है। मतलब अगर आप देखोगे तो इस जगह का पीएच 1 है और इसके अंदर वाला पीएच जो है वो 7.2 है। इतना ड्रास्टिक तो चेंज है पीएच के अंदर शायद ही कई और जगह पर देखने को मिल सकता है। इतना जो मेजर और ड्रास्टिक चेंज है पीएच के अंदर वो यूजुअली सिर्फ इसी जगह पर पाया जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख रहे हो ये लुमेन के अंदर 1 है और यहां पर 7.2 है, तो मतलब ऑलमोस्ट 6.2 का पीएच का डिफरेंस है, और इतना ज्यादा डिफरेंस पीएच का कहीं और नहीं होता है। एस और नो? फॉर एग्जांपल एग्जाम हॉल में क्या होता है, हम सपोज टॉपर है, हमारे 90% बन रहे, और हमारे पीछे जो बैठा है उसके बन रहे -10% या माइनस मतलब 10% बन रहे, तो इतना ड्रास्टिक चेंज कि आगे वाला टॉपर है और पीछे वाला जो है वो 10 मतलब 80% का डिफरेंस आ रहा है।
तो यहां पर आप दिखा भी सकते हो उसके भी कुछ 40-50% बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पर ये दो चीजें है, डिफरेंस है पीएच का। उसके ब्लड का पीएच जो है वो है 7.4 और यहां पर 7.2, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस 0.2 का डिफरेंस है। अब ये इतना लोअर पीएच कैसे मेंटेन किया जाता है, तो इसको मेंटेन करने का काम ये H+ K+ पंप जो है वो करता है, समझ रहे हो। H+ K+ पंप जो है वो इसको मेंटेन करने का काम करता है। अब क्लियरली यहां पर देख सकते हो कि ये H+ K+ ATPase है, क्या कर रहा है ये, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है किसके अंदर, एडीपी प्लस पीआई के अंदर। और जैसे ही एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो यहां पर आप देख रहे हो स्टमक की लुमेन से K+ जो है वो जा रहा है सेल के अंदर, और यहां पर H+ जो है वो सेल के अंदर से क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो एक अगर पॉजिटिव चार्ज अंदर गया तो एक पॉजिटिव चार्ज बाहर आ रहा है, तो यहां पर बैलेंस हो रहा है, इसलिए ये जो है वो इलेक्ट्रोजेनिक पंप यहां पर नहीं है, एस और नो। फिर आप कहोगे कि सर ये K+ जो है वो फिर से बाहर जा रहा है यहां से, तो एक प्लस चार्ज जो है और एक्स्ट्रा हो गया बाहर, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से जो ये Cl- है चैनल से, क्लोराइड चैनल से, वो बाहर आ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, वो भी बैलेंस हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर H+ K+ पंप है वो इलेक्ट्रोजेनिक नहीं है। हम इलेक्ट्रोजेनिक उस पंप को कहते हैं जो पंप क्या होता है, कोई एक चार्ज का डिफरेंस लाए। हम कह रहे कि H+ बाहर आ रहा है, K+ अंदर जा रहा है, तो यहां पर कोई नहीं हो रहा है। लेकिन यही K+ अगर इस पोटेशियम चैनल से बाहर आ रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए यहां पर कौन है, क्लोराइड चैनल है, जिससे क्लोराइड आयन बाहर आते। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्लियर है इस तरीके से। नाउ इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, ये क्लोराइड कहां से आया, अब डिस्कस करने वाली बात तो है नहीं। बस इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहां पर H+ का नंबर क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, और जितने H+ ज्यादा होते हैं उतना ही pH क्या होता है, कम, क्योंकि हम pH और H+ के अंदर क्या करते हैं, इनवर्स रिलेशन लगाते हैं। अगर हम ऐसा कहें सिंपली कि अगर H+ का नंबर ज्यादा है, हाई H+ है, तो यहां पर pH क्या होता है, कम, और H+ अगर कम होते हैं तो pH क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हम यहां पर pH और H+ का इनवर्स रिलेशन लगाते हैं। ये इतना सिंपल तरीके से यहां पर कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां पर। देन नेक्स्ट जो हम कह रहे हैं कि यहां पर एक क्लियर देख सकते हो कि जो CO2 है वो अंदर आ रहा है, CO2 OH के साथ OH- से जुड़ रहा है, तो ये कहां से आ रहा है, तो वाटर से आ रहा है। ये दोनों जुड़कर क्या बन रहा है, HCO3- और ये जा रहा है बाहर, तो इसके बदले में अंदर क्या आएगा, क्लोराइड। और यही जो क्लोराइड अंदर ज्यादा हो रहा है, ये चैनल के थ्रू क्या होता है, बाहर जा रहा है, हाई टू लो कंसेंट्रेशन। तो दिस इज हाउ ओवरऑल मतलब H+ K+ पंप जो है वो वर्क करता है। क्लियर यहां तक। तो इतना सिंपल तरीके से ये मैकेनिज्म यहां पर काम करता है, और इसकी वजह से एसिडिक पीएच जो है स्टमक में मेंटेन किया जाता है, स्टमक की लुमेन में। नाउ कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि एसिडिक पीएच हमें स्टमक के लुमेन का क्यों मेंटेन करके रखना है। स्टमक का जो लुमेन है उसका पीएच हमें एसिडिक क्यों मेंटेन करके रखना है, स्टमक का पीएच एसिडिक क्यों होता है, उसका क्या रीजन है, ये जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आप यहां पर बता सकते हो कमेंट करके। क्लियर है, चलो बी क्विक, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। यस, गुड इवनिंग मीर, गुड इवनिंग रहीम, थैंक यू राकेश चौधरी फॉर योर एफर्ट्स टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया सतुरता, ओके देन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl, यस शिवा डाइजेशन के लिए होता है, वेरी गुड पल्लवी,
यस सुनीता, वेरी गुड। तो इन जनरल हम कहते हैं कि पहले वहां पर जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए वहां पर क्या होता है, ये हमारा काम होगा, ठीक है। तो वहां पर HCL होगा, वो काम करेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर है। देन नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट इज एफ टाइप ऑफ ATPs। क्या है एफ टाइप ऑफ ATPs? आइडेंटिफाइड बाय फर्नांडिस। किसने आइडेंटिफाई किया? फर्नांडिस ने आइडेंटिफाई किया। अब ये जो एफ टाइप ATPs है, ये एफ टाइप ATPs के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, एक होता है एफ ओ पार्टिकल और एक होता है एफ वन पार्टिकल, और ओवरऑल इसको हम कहते हैं एटीपी सिंथेस। एफ ओ को भी समटाइम्स एफ जीरो कहा जा सकता है, एफ ओ को भी हम क्या कह सकते हैं, समटाइम्स एफ जीरो कह सकते हैं। तो ये एफ ओ या एफ जीरो एफ वन पार्टिकल्स टूगेदर दे मेक एटीपी सिंथेस। और यहां पर हमारा जो हेडिंग है वो कह रहा है कि एफ टाइप ATPs। अब ये कैसे मैच करना है, बड़े पेशेंस के साथ आराम से समझने की कोशिश करो आप यहां पर, क्लियर है। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा यहां पर एफ जीरो दिख रहा है आपको और ये आपको एफ वन दिख रहा है, तो ये जो एटीपी सिंथेज है इसका इतना पार्ट, डिसमस पोर्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज रेफर्ड एज एफ वन एंड दिस पोर्शन इज रेफर्ड एज एफ ओ या एफ जीरो। तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दिस एफ ओ इज इंटीग्रल पार्ट। ये कैसा पार्ट है? इंटीग्रल पार्ट। एंड दिस पोर्शन इज पेरिफेरल पार्ट, दिस इज पेरिफेरल पार्ट। दिस एफ ओ ओ स्टैंड्स फॉर ओलिगोमाइसिन, ओ स्टैंड्स फॉर ओलिगोमाइसिन। तो यहां पर ओलिगोमाइसिन का ट्रीटमेंट दे तो यहां पर ये पोर्शन जो है एफ जीरो या एफ ओ पोर्शन वो इनहिबिट हो सकता है, वो आगे जाके काम नहीं करेगा, इसलिए हम उसको एफ ओ कहते हैं, क्लियर। ओ स्टैंड फॉर ओलिगोमाइसिन। तो यहां पर दो पोर्शन है, एक एफ जीरो है और एक एफ वन है। एफ जीरो जो है एक पोर लाइक चैनल बना रहा है, देखो यहां पर एक, मतलब यहां पर एक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसके थ्रू ये प्रोटॉन्स जो है 4H प्लस जो है वो क्या हो गए, अंदर आ गए, क्लियर। कैसे आ गए उसको समझाने के लिए एक चीज देखो, पहली चीज तो समझो बहुत इंपॉर्टेंट कि कहां कहां पर प्रेजेंट है। एक तो ये प्रेजेंट होता है ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, अल्सो प्रेजेंट ऑन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और इसके अलावा ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो सिंपल सा दो मार्क का क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि वेयर इज द लोकेशन ऑफ एफ टाइप ऑफ ATPs? वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा, वैक्यूल जो फर्स्ट वहां पर नहीं होता है। तो ये जो एफ टाइप ऑफ ATPs है आपको मोस्टली कहां पर देखने को मिलेंगे, तो हम कह रहे एक तो यहां पर कह रहे माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन होता है इनर मेम्ब्रेन होता है, तो इनर मेम्ब्रेन में। थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है वहां पर, प्लस बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, क्लियर है। अगर बेसिकली अगर हम ऐसा कहे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है और ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, मान लो एक बार कि माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या हो जाए, ये यहां पर ऐसे होगा, थोड़ा सा डायग्राम जो है ये उल्टे तरीके से बना है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, इट्स ओके, इट हैपन्स, तो कभी कभी गलती हो जाती है। तो समझो एक बार फिर से, ये मैट्रिक्स है, यहां पर इनर मेम्ब्रेन है,
ये आउटर मेम्ब्रेन है, यहां पर बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, क्लियर है, ये बिल्कुल सही है, इसको ये और अच्छे से समझते हैं। मैट्रिक्स है, इंटर मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन है, और यहां पर ये एटीपी सिंथेज लगा हुआ है एफ जीरो एफ वन। तो ये जो एटीपी सिंथेज है, तो ये एफ जीरो है, ये एफ वन है। अब ध्यान से समझना यहां पर क्या होता है, जैसे यहां पर अगर हम देखें आगे जाके, तो ये कॉम्प्लेक्स वन है, कॉम्प्लेक्स टू है, कॉम्प्लेक्स थ्री है, कॉम्प्लेक्स फोर है, और ये हमारा जो फाइनल दिख रहा है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फाइव। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फाइव। तो इसमें सिंपल तरीके से क्या होता है, वन है, टू, थ्री एंड फोर, और ये कॉम्प्लेक्स फाइव है। तो सिंपली मैट्रिक्स से प्रोटॉन जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप किए जाएंगे, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनेगा। तो ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट जो है वो अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाएगा, और जब भी कोई भी चीज हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाएगी तो एडीपी प्लस पीआई जो है उससे क्या बनेगा, यहां पर एटीपी की सिंथेसिस होगी। ठीक है, हमने इसको उल्टा कंसिडर किया था, हमने पहले मतलब पहले जो पढ़ा था वो बिल्कुल सही था, बस इसको थोड़ा सा अलग तरीके से उल्टा डायग्राम था इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रेशली एक बार फिर से समझिए क्या कहना चाहते हैं, तो आराम से, एक है मैट्रिक्स, ठीक है, जो स्पेस इनर मेम्ब्रेन इंक्लोज किया है, फोल्डेड होता है हाईली, उसको क्रिस्टी भी बोलते हैं। तो वो जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कहां पर है, मैट्रिक्स के बाद क्या है, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के बाद इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बाद आउटर मेम्ब्रेन। नाउ यहां पर कॉम्प्लेक्स वन है, कॉम्प्लेक्स टू थ्री फोर, तो यहां से कुछ प्रोटॉन आपको पता है, कॉम्प्लेक्स वन से दो, कॉम्प्लेक्स वन से चार जाते हैं, कॉम्प्लेक्स थ्री से चार जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फोर से दो जाते हैं, ऐसे प्रोटॉन यहां पर अगर पंप किए जाएंगे तो यहां पर क्या बनेगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का ग्रेडियंट, और वो प्रोटॉन का ग्रेडियंट जो है वो एफ जीरो एफ वन पार्टिकल से क्या होगा, उसमें से जो एफ जीरो है वहां से क्या होगा, अंदर आएगा कहां पर, मैट्रिक्स के अंदर, और जैसे ही वो मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा तो वहां पर जो एनर्जी निकलेगी वो यूज की जाएगी किसके लिए, एडीपी प्लस पीआई के बीच में बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या बनता है यहां पर, एटीपी। क्लियर है यहां पर, यस और नो? यस। अब अगर ये रिवर्स काम करे, अगर ये रिवर्स काम करे मतलब उल्टी डायरेक्शन में काम करे, तो अब एटीपी नहीं बनेगी, एटीपी का यहां पर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। तो एक तरफ से हम कह रहे हैं कि अगर मैट्रिक्स से, हम कह रहे हैं कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से प्रोटॉन जो है मैट्रिक्स में आएंगे तो वहां पर एटीपी का सिंथेसिस होगा, और अगर रिवर्स डायरेक्शन में काम करे, मैट्रिक्स से वो अगर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जा रहे हैं यहां से, तो वहां पर एटीपी का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। यस सुश्री सर, मैट्रिक्स से प्रोटॉन अलोंग या अगेंस्ट ग्रेडियंट जाते, सुश्री सिंपल है, यहां पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है, तो प्रोटॉन जो है अपनी हायर कंसेंट्रेशन से कहां पर जाते, लोअर कंसेंट्रेशन जाते, तो अलोंग द ग्रेडियंट होगा। क्लियर है? हाँ भास्कर, वैसे कह सकते, मतलब किस सेंस में बोल रहे भास्कर? देखो इसमें सिंपल तरीके से है, अगर आप यहां पर H प्लस जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा है वो H प्लस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में जाते हैं, तो डेफिनेटली वो अलोंग द ग्रेडियंट है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट नहीं है। क्लियर? बिल्कुल अप्रज्ञता, बिल्कुल सही है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉलो होगा, वेरी गुड। बस थोड़ा सा इसमें देख लेना, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, तो यहां पर कह रखा है कि अगर रिवर्स में काम करेगा तो हम क्या करें, रिवर्स एटीपी सिंथेस, तो एच प्लस मूव जो है वो इनसाइड होंगे। इट वर्क्स बाय रोटेशनल कैटालिसिस मैकेनिज्म। रोटेशनल कैटालिसिस मतलब क्या, यहां से जो एच प्लस है वो यहां पर आ रहे हैं, और H प्लस जब आ रहे हैं यहां पर तो इससे जो एनर्जी मिल रही है, मतलब हम कहते हैं कि कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आती है,
हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन आती है, वहां पर जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी जो है उस एनर्जी की वजह से ये जो F1 का टर्बाइन है वो टर्बाइन एक बार रोटेट होता है और वो टर्बाइन रोटेट हुआ तो यहां पर ADP प्लस PI जो है उनके बीच में क्या किया जाएगा, बॉन्ड फॉर्म किया जाएगा। ये कह रहे कि F1 पार्टिकल रोटेट लाइक टर्बाइन, तो F1 पार्टिकल कैसे रोटेट करता है, टर्बाइन के जैसे रोटेट करता है। नेक्स्ट जो है वो है वी टाइप ऑफ पंप, और वी टाइप ऑफ पंप जो है इट इज डिस्कवर्ड ऑन वैक्यूल दैट इज टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट। यस एनजी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। यस एनजी, जो हमने एग्जांपल पढ़ा पहले, हमने कहा कि जो प्रोटॉन्स है वो पंप हो गए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, वहां से प्रोटॉन अगर आपके आ रहे हैं कहां पर मैट्रिक्स में, तो प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ऑलरेडी ज्यादा थे और वो प्रोटॉन जो है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से अगर मैट्रिक्स में आ रहे तो वो अलोंग द ग्रेडियंट आ रहे, अगर इसके रिवर्स होता है तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता। तो ये दोनों तरीके से काम कर रहा है, हम यहां पर कह सकते हैं एक साइड से हम कह रहे हैं कि एटीपी सिंथेसिस की तरह भी काम कर सकता है, एटीपी को सिंथेसाइज भी कर सकता है, लेकिन अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में काम करे तो वो एटीपी को हाइड्रोलाइसिस करके ही काम करेगा। तो ये दोनों तरीके से काम करेगा, एफ टाइप एटीपीज भी काम कर सकता है और एटीपी सिंथेसिस की तरह भी काम कर सकता है। ओके, ऑन विच मेम्ब्रेन विल द एटीपी सिंथेसिस प्रेजेंट, ऑन बैक्टीरिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की, क्योंकि बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो सिंपली बैक्टीरिया की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो जो है एटीपी सिंथेसिस वो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। क्लियर। थाइलाकॉइड में सिंपली अगर आप यहां पर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये एक क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन है, यहां पर क्लोरोप्लास्ट की अगर ये इनर मेम्ब्रेन कंसिडर की जाएगी, और यहां पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ऐसे थाइलाकॉइड स्टैक बनाते हैं और ये थाइलाकॉइड स्टैक बना रहे इस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं ग्रैनम। लेकिन इसमें से हम अगर एक इंडिविजुअल थाइलाकॉइड की बात करें तो ये इंडिविजुअल थाइलाकॉइड इस तरीके से, ये जो पोर्शन है थाइलाकॉइड का क्या है, वो स्ट्रोमा है, थाइलाकॉइड के अंदर का पोर्शन क्या है, ल्यूमेन है, और यहां पर जो है वो होता है एटीपी सिंथेस। और इसको बाहर निकालूं मैं और बड़ा कर दूं तो ये है ल्यूमेन। क्लियर, दिस इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, तो ये थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है। क्लियर, और यहां पर इस तरीके से यहां पर क्या होता है, एटीपी सिंथेस होता है। क्लियर, तो अब क्या होना चाहिए, यहां पर एटीपी सिंथेस किधर काम करना चाहिए, तो H+ का ग्रेडियंट अंदर काम होना चाहिए, अंदर ज्यादा होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि एटीपी सिंथेस किधर काम करे तो अंदर H+ का ग्रेडियंट ज्यादा होना चाहिए, तो अंदर से H+ जो है वो बाहर आने चाहिए, तब क्या होगी, यहां पर ADP+ PI जो है वो जोड़ा जाएगा और क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। क्लियर है, तो सिंपली इस तरीके से यहां पर काम होगा। तो फिर इसका भी ये F0 है, ये F1 है, लेकिन यहां पर ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेडियंट नहीं होगा, यहां पर अलोंग द ग्रेडियंट, ज्यादा है तो कम है, लेकिन ये अगर रिवर्स डायरेक्शन में काम करता तो हम क्या कहते हैं, ये एटीपीएस की तरह काम करता है। तो ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे भी क्या होता है, यहां पर ये प्रेजेंट होता है एफ टाइप। क्लियर है यहां तक। नहीं कृतिका, हम कहते हैं कि जो H+ है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जा रहे हैं। तो कृतिका यहां पर एक सिंपल आंसर है, जब भी कॉम्प्लेक्स वन से दो इलेक्ट्रॉन्स यूबीक्विनोन के पास जाते हैं तो मैट्रिक्स से चार प्रोटॉन जो है वो पंप किए जाते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो प्रोटॉन को पंप करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे उससे जो एनर्जी होगी वो एनर्जी यूज की जाएगी, तो उसके लिए कोई अलग वहां पर पंप जो होते हैं, आप कह रहे हो ना कि ये जो H+ है वो मैट इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जा रहे हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स वन का स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर ही इस तरीके से होता है कि वहां से H+ आयंस को
पंप करने के लिए वहां पर क्या होती है, जगह होती है। तो इलेक्ट्रो, हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज कपल्ड विद प्रोटॉन ट्रांसलोकेशन फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर है कृतिका? यस प्राची, अभी बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा और थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होगा। तो ये एक स्ट्रक्चर है किसका, थाइलाकॉइड का। क्लियर? रोटेशन कंडीशन आपको तब करनी पड़ेगी जहां वहां पर आपको एटीपी सिंथेसिस करनी पड़ेगी। साक्षी, ये दोनों तरीके से काम करता है। मैंने जो मैकेनिज्म बताया आपको वो एटीपी सिंथेसिस का बताया, लेकिन ये रिवर्स डायरेक्शन में भी काम कर सकता है। तो ये एफ टाइप एटीपेज की तरह भी बिहेव कर सकता है, इसलिए हम इसको यहां पर कंसिडर कर रहे हैं। इनर प्राची, इट इज प्रेजेंट ऑन इनर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। यहां पर मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट यहां पर भी होंगे, लेकिन वो फंक्शनल नहीं होंगे। फंक्शनल कहां पर होंगे, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे होंगे। थैंक यू संजना। हाँ, ऑक्सीडेटिव, वो ऑक्स का वीडियो है वहां पर, अल्टरनेट ऑक्सीडेज का वीडियो जो है ऑलरेडी आईएफएस चैनल पे है, वहां पर आप देख सकते हो। हाँ, एक काम करो आप, अल्टरनेट ऑक्सीडेज का मेरा वीडियो है आईएफएस ऑनलाइन पे, आप वहां पर जाके वो देख सकते हो वहां पर, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि अल्सो प्रेजेंट ऑन परोक्सीजोम, एंडोजोम एंड लाइसोजोम। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज वी टाइप ऑफ पंप्स आर प्रेजेंट ऑन परोक्सीजोम, एंडोजोम एंड लाइसोजोम। गोल्गी के ऊपर भी हो सकता है वहां पर। तो एक चीज हम कह रहे हैं कि वी टाइप ऑफ पंप जो है वो डिस्कवर हुआ है, कहां पर डिस्कवर हुआ है, टोनोप्लास्ट के ऊपर। व्हाट इज टोनोप्लास्ट, जो वैक्यूल, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कह रहे हैं। टोनोप्लास्ट पे हमने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया। इसके अलावा ये वी टाइप ऑफ पंप जो है वो परोक्सीजोम में, एंडोजोम में, लाइसोजोम में, कई सारी जगह पर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वैक्यूल में भी प्रेजेंट होगा, वैक्यूल की मेम्ब्रेन के ऊपर। बेसिकली जहां पर भी ल्यूमेन होगी उस ल्यूमेन को एसिडिफाई करने के लिए वहां पर क्या होना चाहिए, वी टाइप ऑफ पंप प्रेजेंट होगा। क्लियर है? यस। देन नेक्स्ट इज पर्पज जो है एच प्लस पंप का, इसका पर्पज क्या है। तो सिंपल तरीके से इसका पर्पज हम ये कह सकते हैं, पर्पज ऑफ दिस पंप एच प्लस पंप टू मेंटेन एसिडिक पीएच इन ल्यूमेन ऑफ ऑर्गेनल्स। तो ये जो ऑर्गेनल्स है उनके अंदर का हिस्सा है उनको हम यूजुअली ल्यूमेन कहते हैं। उन ल्यूमेन्स को एसिडिक, उन ल्यूमेन का एसिडिक पीएच मेंटेन करना इसका काम होता है। अगर आप किसी का पीएच देखो, परोक्सीजोम की ल्यूमेन का पीएच देखो, एंडोजोम की ल्यूमेन का पीएच देखो, तो यूजुअली इनका पीएच जो है वो कम होता है। हाई स्ट्रक्चरल एफिनिटी जो है विद वी टाइप ऑफ पंप, हाई स्ट्रक्चरल एफिनिटी विद, एक्चुअली वी टाइप नहीं यहां पर पी टाइप होना चाहिए, पी टाइप ऑफ पंप बट नॉट इन द रिवर्स डायरेक्शन। सिंपली यहां पर यह कहना चाहते हैं कि जो एफ टाइप का पंप है और जो वी टाइप का पंप है, एक तो हम कह रहे कि एफ टाइप का पंप है, एक हम कह रहे कि वी टाइप का पंप है, तो इनकी जो स्ट्रक्चरल एफिनिटी है, इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो काफी मिलता जुलता है। क्लियर है? लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि बट नॉट इन द रिवर्स डायरेक्शन, वर्किंग जो है वो थोड़ा सा क्या है यहां पर डिफरेंट है। जैसे अगर आप यहां पर एक एग्जांपल कंसिडर कर रहे हो, तो ये साइटोसोल है, तो मैं एक मेम्ब्रेन यहां पर निकालता हूं, एक साइटोसोल है तो यहां पर हम एक मेम्ब्रेन निकालते हैं।
ये कौन सी हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोसोल है और यहां पर आप देख रहे हो ये लुमेन है। किसकी लुमेन है? फॉर एग्जांपल पेरोक्सिसोम की लुमेन है या लाइसोसोम की लुमेन है, क्लियर है? तो एटीपी को हाइड्रोलाइज किया एडीपी प्लस पीआई ने, क्लियर है? बाहर यहां पर आप देख रहे हो निगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अंदर पॉजिटिव है, स्टिल आप किसी पॉजिटिव को अंदर भेज रहे हो। ऑलरेडी बाहर पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज्यादा है, फिर भी आप लेस पॉजिटिव टू यहां पर क्या कर रहे हो, मोर पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। और ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहां पर इस H प्लस को हम क्या कर रहे हैं, अंदर भेज रहे, क्लियर है? तो इस तरीके से यहां पर ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को नेक्स्ट वाले डायग्राम के साथ कंपेयर करोगे तो क्लियरली आपको दिख रहा है यहां पर कि एक पोटेंशियल जनरेट हो गया इसमें। अब ये जो एटीपी है उस एटीपी को हमने हाइड्रोलाइज किया एडीपी प्लस पीआई के अंदर, तो एच प्लस जो है वो यहां पर आ गया अंदर। उसके साथ साथ यहां पर क्लोराइड जो है उनको भी अंदर लाया गया। पीएच तो यहां पर एसिडिक हो रहा है लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर क्लोराइड का ये चैनल प्रेजेंट है और यहां पर प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हुआ है लेकिन यहां पर जनरेट नहीं हुआ। चलिए, तो काम की बात नहीं इतनी, फिर भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि हां हो सकता है यहां पर कैसा हो, क्लियर? देन इसके अंदर भी जैसे F0 F1 होता है वैसे यहां पर V0 V1 पार्टिकल्स हो सकते हैं, क्लियर है? देन इन वैक्यूल पेरिफेरल प्रोटीन जिसके पास 3A 3B प्लेज अ कैटलिटिक रोल, इनके पास कुछ पार्टिकल जैसे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, इसका अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे यहां पर तो ये देखो आप स्ट्रक्चर देख सकते हो यहां पर, तो इसमें ये 1A 1A अगेन ये 1A, तो ऐसे 3A आपको दिख रहे हैं, अगेन ये B1 B2 B3 मतलब ऐसे 3B दिख रहे हैं, तो 3A 3B आपको ऐसे क्या दिख रहे हैं, दो पेरिफेरल प्रोटीन। ऑब्वियसली बात है ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से बाहर है तो इतना पोर्शन क्या होगा, ये पेरिफेरल होगा और ये जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल होगा, क्लियर है? प्लेज अ कैटलिटिक रोल। नाउ रेगुलेटरी सब यूनिट जो है उन रेगुलेटरी सब यूनिट में आप देख सकते हो यहां पर ए सी सी डैश डैश भी हो सकता है, जैसे यहां पर देख रहे हो सी सी है, सी डैश है, सी डैश डैश भी है और एक सी है यहां पर। तो इसके अलावा भी जो और रेगुलेटरी सब यूनिट जैसे कि सी एच, तो सी यहां पर देख रहे हो आप, एच यहां पर देख रहे हो, डी एंड एफ, तो यहां पर आपको डी दिख रहा है, यहां पर आपको एफ दिख रहा है, क्लियर है? तो इसमें से आप बस एक काम की चीज ध्यान में रखना कि 3A और 3B ये दो जो है वो है कैटलिटिक रोल करने में, यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैटलिटिक काम करते हैं, क्लियर? तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर जो था हमारा वो एफ टाइप एटीपीएस का था। देन नेक्स्ट जो है वो है एबीसी ट्रांसपोर्टर फैमिली का, यहां पर एक एग्जांपल जिसको हम कह रहे एटीपी बाइंडिंग कैसेट, क्या है नेक्स्ट इज एबीसी ट्रांसपोर्टर जिसको हम कह रहे एटीपी बाइंडिंग कैसेट, क्लियर है? तो इसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है एक्टिव एंड पैसिव बोथ टाइप के ट्रांसपोर्टर में। एक जो एग्जांपल हमने पढ़ा सीएफटीआर जिसको हम कह रहे कि वो चैनल की तरह काम करता है तो एग्जांपल एबीसी ट्रांसपोर्टर का, लेकिन वो किसकी तरह काम कर रहा है, चैनल की तरह काम कर रहा है। तो इसमें अगर हम देखेंगे
तो हम कह रहे कि यहां पर नीड एटीपी हाइड्रोलिसिस फॉर कंफर्मेशनल चेंज नॉट फॉर ट्रांसपोर्ट. कह रहे कि जो एटीपी हाइड्रोलिसिस हो रही है वो यूजुअली कंफर्मेशनल चेंज को लाने के लिए होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं. यही बात मैं आपको बार बार समझा रहा था जब हम डिस्कस कर रहे थे वहां पर क्या सी एफ टी आर को. क्लियर है यहां तक? उसे हम कह रहे कि मोस्ट एंशियंट एंड मोस्ट डाइवर्स, ये जो है वो सबसे एंशियंट एंड डाइवर्स टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रहे, क्योंकि हमने जो लाइफ के मेन थ्री डोमेन्स पढ़े थे जिसमें हमने आर्किटेक्चर को डिस्कस किया था, यू केरा को डिस्कस किया था, यू बैक्टेरिया को डिस्कस किया था, तो ये तीनों भी डोमेन में पाया जाता है. अगर आप यहां पर बात करोगे एबीसी ट्रांसपोर्टर जो है वो एबीसी ट्रांसपोर्टर आर्किटेक्चर में भी होता है, यू केरा में भी होता है, यू बैक्टेरिया में भी होता है, मतलब बैक्टीरिया से लेकर फिर चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, मैमल्स हो, कोई भी यहां पर हो, हर किसी के अंदर ये एबीसी ट्रांसपोर्ट पाया जाता है. इसलिए हम कहते हैं इसको मोस्ट एंशियंट एंड डाइवर्स टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर. क्लियर है यहां पर? देन हम कह रहे कि डिस्कवर्ड इन यू बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑलमोस्ट सारी जगह पर आपको ये देखने को मिल सकता है. उसके बाद नेक्स्ट जो हम कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बैक्टीरियल ट्रांसपोर्टर्स, अगर बैक्टीरिया के अंदर है तो क्या काम करता होगा? बैक्टीरिया के अंदर है तो ये न्यूट्रिएंट का अपटेक करवाता है, रिलीज ऑफ टॉक्सिन, रिलीज ऑफ विरुलेंस, ये सारे काम करवाने का काम करता है कौन? ये एबीसी ट्रांसपोर्टर. बैक्टीरिया के अंदर ही काम करता है, न्यूट्रिएंट का अपटेक है, रिलीज ऑफ टॉक्सिन, रिलीज ऑफ विरुलेंस. क्लियर? नेक्स्ट जो है ईस्ट के अंदर, यहां पर रिलीज ऑफ मेटिंग फैक्टर, अगर वहां पर ईस्ट के बीच में मेटिंग करवानी है तो उसके लिए किसी एक ईस्ट के पास अगर वहां से मेटिंग फैक्टर रिलीज हो रहा है तो वो मेटिंग फैक्टर जो रिलीज होता है वो किसके थ्रू होता है? एबीसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू वो रिलीज फैक्टर जो है वो मतलब मेटिंग फैक्टर जो है वो रिलीज होगा. क्लियर यहां तक? ऐसे और देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर इसका क्या रोल होगा. हम कह रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ जेनोबायोटिक्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन वैक्यूल. हम कह रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर जेनोबायोटिक्स का एक्यूमुलेशन या प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो वैक्यूल के अंदर कर रहे अपटेक स्टोर करके रख रहे उसके लिए ये यूज होता है. क्लियर है यहां तक? तो हम कह रहे हैं कि बैक्टीरिया के अंदर इसका पर्पज अलग है, प्लांट्स के अंदर इसका पर्पज अलग है, मैमल्स के अंदर आप आगे जाके देखोगे तो उसके अंदर भी इसका पर्पज क्या है? अलग है. तो हर अलग अलग जगह पर ये तो है, हम कह रहे कि एबीसी ट्रांसपोर्टर है तो उसका पर्पज थोड़ा सा क्या है यहां पर डिफरेंट है. क्लियर? देन हम यहां पर करेंगे इन्हें एनिमल्स के अंदर क्लोरीन चैनल होता है, उसका एग्जांपल तो हम पढ़ ही चुके हैं. क्लियर है? देन मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस एमडीआर इन कैंसर सेल्स लाइक विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन एंड टेक्सोल, ये जो है वहां पर शो कर सकता है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस. ट्रांसपोर्टर के अंदर टू और मोर सबिंट्स होते हैं, जैसे कि इच सबिंट्स जो होता है उसके पास दो कंजर्व डोमेन होते हैं, हर सबिंट के पास दो कंजर्व डोमेन है, एक होता है ट्रांसपोर्टर डोमेन और एक होता है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन. तो कुछ लोग उस दिन कह रहे थे कि सर एबीसी ट्रांसपोर्टर जो आप पढ़ा रहे वो सीएसआर सफिशियंट नहीं. उस टाइम मैंने कहा था आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे जाके हम इस एबीसी ट्रांसपोर्टर को डिटेल में पढ़ने वाले. अब मैं आपको बता रहा हूं ना कि यहां पर कह रहे कि मल्टीपल सबिंट्स होते हैं, ज्यादा मोर देन टू और मोर सबिंट होते हैं, उसमें एक ट्रांसपोर्टर डोमेन होता है, एक
न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन होता है, तो उसको अगर हम यहां पर आगे देखें, तो ये देखो डायग्राम है यहां पर पूरा, और इस डायग्राम को मैंने वहां पर भी समझाया था और यहां पर भी मैं इस चीज को समझा रहा हूं, क्लियर है यहां पर। तो चलो अभी तक जिन लोगों ने लेक्चर को लाइक नहीं किया है, जल्दी से जल्दी वो लोग लेक्चर को लाइक करें। 490 लाइक्स हुए हैं यहां पर सिर्फ, चलो बी क्विक इसको 600 कर दो। हाँ भास्कर, आइनो फोर्स को भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। यस कविता, किसका रेफरेंस दे रहे हो आप, एफ टाइप कहां पर बोल रहे हो? यस सुमन राठौर, यू आर राइट, एफ टाइप का पंप और वी टाइप का पंप जो है वो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी वहां पर शो करते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ली मिन हो, ये लेक्चर जो है वो लेक्चर जो है खत्म होने का, हमारा लाइव सेशन 2 आवर्स के लिए वहां पर अवेलेबल होता है, उन 2 आवर्स के अंदर आप उतना पोर्शन जो आपका छूट गया है आराम से आप वहां पर देख सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। यस राकेश चौधरी, यू आर राइट, वेरी गुड, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम क्या कह रहे हैं, एक होता है ट्रांसपोर्टर डोमेन, देख रहे हो यहां पर ये, और दूसरा होता है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, और इसका मैकेनिज्म 2 लेक्चर में पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया है। ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, यहां पर ये न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन है, एटीपी बाइंडिंग हो रही है यहां पर, तो ये एटीपी यहां पर बाइंड हो रही है, उसके बाद आप देख रहे हो कि ये जो आपको आयन ट्रांसपोर्ट करना है वो यहां पर बाइंड हो सकता है, खुल सकता है, एटीपी हाइड्रोलिसिस होगी, और एटीपी हाइड्रोलिसिस होगी तो वहां पर कैसे कंफर्मेशन चेंज आता है और किस तरीके से वो क्लोज कंफर्मेशन से ओपन कंफर्मेशन में आता है, ये डायग्राम जो है 2 लेक्चर पहले जब मैंने आपको सीएफटीआर पढ़ाया था तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, वापस से हम वहां पर जाके उस चीज को और एक बार नहीं पढ़ना चाहते। अगर आपको वो मैकेनिज्म समझना है तो एक बार आप वहां पर जाके आराम से समझ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। बस अभी के लिए मैंने ये डायग्राम यहां पर इसलिए रखा है ताकि आपको ट्रांसपोर्टर डोमेन और न्यूक्लियर बाइंडिंग डोमेन, ये दोनों डोमेन यहां पर समझ में आ जाए, क्लियर है। उसके बाद मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस यानी कि एमडीआर पी ग्लाइकोप्रोटीन परमेबिलिटी। अब सपोज हमें कैंसर सेल्स को ट्रीट करना है, तो कैंसर सेल्स को ट्रीट करने के लिए सपोज हमारे पास एक कैंसर सेल है, क्या है हमारे पास एक, फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर कि हमारे पास यहां पर एक कैंसर सेल है और इस कैंसर सेल को हम कुछ एंटी कैंसर ड्रग से ट्रीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम विनब्लास्टीन को कंसिडर करें, विनक्रिस्टीन को कंसिडर करें, विनब्लास्टीन, विनक्रिस्टीन, टैक्सोल, कई सारी है ये ड्रग्स आपने दी, और ये ड्रग्स जो है कैंसर सेल्स के डिवीजन को रोकते हैं, यानी कि जो भी कैंसर सेल्स माइटोसिस कर रहे हैं उसमें ये वहां पर क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये ड्रग हमने सेल को दी, सपोज ये ड्रग कैंसर सेल के अंदर गई, और ये ड्रग जब कैंसर सेल्स के अंदर जाती है तो वहां पर ये कैंसर सेल का डिवीजन रोकने का काम करेंगे। अब उसका स्पेसिफिक रोल है हम आगे जाके पढ़ेंगे सेल साइकिल में कि किस तरीके से विनब्लास्टिन काम करता है, विनक्रिस्टीन, टैक्सोल, कौन माइक्रोट्यूबल्स का डीपोलमेशन करता है, कौन पॉलीमराइजेशन करता है, कौन वहां पर कैपिंग कैप की तरह काम करता है, वो सारी चीजें हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो विनब्लास्टीन और विनक्रिस्टीन जो है उनको हमने दिया इस कैंसर सेल को, तो जब भी हमने ये ड्रग्स वहां पर दी तो इन कैंसर सेल्स के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो पहले नहीं था लेकिन जब हमने इन ड्रग से इसको ट्रीट किया तो इन कैंसरस सेल्स के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो पी ग्लाइकोप्रोटीन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, और इसका कंसंट्रेशन यहां पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, और उस ट्रांसपोर्टर के थ्रू, ये मतलब इसके थ्रू ये जो ड्रग्स है वो बाहर आना स्टार्ट हो गए,
अब ड्रग तो तभी काम कर सकती है जब वो सेल्स के अंदर रखे रहेगी, क्योंकि तो उसका टारगेट वहां पर है ना, उसका टारगेट अंदर है। लेकिन क्या हो गया, जैसे हमने ट्रीटमेंट दिया तो कैंसरस सेल्स ने एक प्रोटीन एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया जिसको हम कह रहे पी ग्लाइकोप्रोटीन, और जिसकी वजह से जो ड्रग्स थी सेल के अंदर वो बाहर आना स्टार्ट हो गई, और ये पी ग्लाइकोप्रोटीन से एक नहीं कई सारी ड्रग्स जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो गई, जैसे विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, टैक्सोल। इसलिए हमने इसको मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस कहा, मल्टीपल ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसको हमने इसको क्या कहा, MDR कहा, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। क्लियर यहां पर? तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो एबीसी ट्रांसपोर्टर फैमिली के प्रोटीन से वो MDR में भी इन्वॉल्व होते हैं। दो मेजर एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाए एबीसी ट्रांसपोर्टर के, एक एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो था CFTR का, और दूसरा एग्जांपल जो है यहां पर हमने लिया MDR का। क्लियर है? MDR का यहां पर देखा, अभी एक्सप्लेन किया है खुशबू जो भी उसका ये है कहां पर प्रेजेंट होता है, कैंसरस सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा रेजिस्टेंस टू एंटी मरियल ड्रग इन प्लाज्मोडियम, ये भी फंक्शन है। अब इसको ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बस उसको ध्यान में रखो और समझने की कोशिश करो। रेजिस्टेंस इन ट्रिपेनोसोमा एज वेल, जस्ट मेंशन किया है, ज्यादा डिटेल में जाने की यहां पर जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर मोस्टली आने के चांसेस है तो एबीसी ट्रांसपोर्टर का एक बार सिंपल सा क्वेश्चन CSR में आ चुका है कि CFTR जो है वो कौन से टाइप के पंप से बिलोंग करता है या ट्रांसपोर्टर फैमिली से बिलोंग करता है, तो एबीसी ट्रांसपोर्टर फैमिली से बिलोंग करता है। वहां से आगे ये MDR के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, कैंसर के अंदर भी मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस शो करता है, वहां पर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरीके से यहां पर ये हो सकता है। वेरी गुड खुशबू, ये देखो किस तरीके से यहां पर आपको दिख रहा है कि जो इटोपोसाइड्स होते हैं डोनोमाइसिन, टैक्सोल, विनब्लास्टिन, ये वाले जो है वो यहां से ड्रग का इफ्लक्स किया जाता है। तो इस टाइप से यहां पर ड्रग्स का इफ्लक्स किया जाएगा, और इफ्लक्स जो है वो यहां पर देख रहे हो कि इससे हो रहा है, इसको हम कह रहे हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर, और ये जो है यहां पर कार्बोहाइड्रेट की मॉइटी जुड़ी है। तो पहले तो ये ट्रांसपोर्टर जो है वो प्रोटीन है और प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है, तो ये हमें क्या दिख रहा है यहां पर, ये जो दिख रहा है ये है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या दिख रहा है हमें यहां पर, ये ग्लाइकोप्रोटीन दिख रहा है। क्लियर? वेरी गुड। यस, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, आप आगे का बहुत सोचते हो। अब एबीसी ट्रांसपोर्टर का आपने CFTR पर पूछा, तो मैंने आगे जाकर तो पूरा डिटेल में पढ़ा, तो वहां पर पूछने से आपका क्या मतलब होगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा हमारा। अब आप पूछ रहे हो जर्नोबायोटिक्स क्या है, जब हम ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऑर्गेनल्स के पास साइटोक्रोम P450 होता है जो जर्नोबायोटिक्स के ऊपर काम करता है, उसका कैसा फंक्शन होता है, वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाली है। अभी के लिए फिलहाल आप थोड़े से पेशेंस वहां पर रखो, डेफिनेटली ये चीजें वहां पर काम की होगी। क्लियर? Now next is secondary active transport. Next क्या है, secondary active transport. यहां तक क्लियर है सारी चीजें? अब हमने जो ट्रांसपोर्ट टॉपिक था उस ट्रांसपोर्ट टॉपिक में सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस कर लिया। यस वेरी यस पूनम यू आर राइट, यस बिल्कुल सही। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट में हमने पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस किया, फिर हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन पढ़ा, पैसिव डिफ्यूजन पढ़ा, उसमें कैरियर प्रोटीन्स पढ़े, उसमें आयन चैनल्स पढ़ा, देन हमने मूव किया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पहले इंट्रक्शन पढ़ा, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेनली जो हमारे टाइप्स ऑफ पंप्स थे उन पंप्स को हमने डिस्कस किया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है?
अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन डाउट, तो आप आराम से यहां पर पूछ सकते हो। क्लियर है? तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। कल जो है हम मेंटी क्विज करने वाले हैं। कल क्या होगा? आपका मेंटी क्विज होगा। तो बहुत अच्छे से जो हमारा स्टार्टिंग का पार्ट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके भी क्वेश्चंस होंगे। स्टार्टिंग से जहां से हमने सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया था, तो लेक्चर वन से आज जो हमारा लेक्चर 14 है, तो लेक्चर वन से लेक्चर 14 तक के जितना भी सिलेबस मैंने कवर किया है, वो सारा सिलेबस कल के मेंटी क्विज में होगा। ट्रांसपोर्टर में भी आज का भी जो पढ़ाया है, एबीसी ट्रांसपोर्टर पढ़ाया है, वो ट्रांसपोर्ट भी होगा। ठीक है? तो कल जो है वो हम मेंटी क्विज का एक बहुत ही अच्छा लेक्चर करने वाले हैं। और कल भी हमें कुछ नए जो विनर्स है उनको हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सब लोग अभी से, ये लेक्चर होने के बाद, सारे लोग एक बार मेंटी क्विज पे किस तरीके से एनरोल होना है, किस तरीके से पार्टिसिपेट होना है, वो ध्यान में रखें। क्योंकि जो मेंटी क्विज में आएगा उसी को उसका बेनिफिट मिलेगा, जो कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहेंगे उनको फायदा नहीं होगा। अगर आपके पास दोनों चीजें, लैपटॉप भी है और मोबाइल भी है, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एक जगह आप वीडियो चला सकते हैं और एक जगह आप लॉग इन कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। दिव्यश्री, सीएफटीआर को हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जी बिल्कुल प्राची, सीएसआईआर नेट के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यस सागर सर, बायोलॉजी ट्यूटोरियल, ये डीबीटी के लिए भी वहां पर मेंशन है। मीर जुबिर, पीडीएफ क्यों नहीं मिली? पीडीएफ मिलनी चाहिए आपको। यस सौम्या, ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है जिस तरीके का पी टाइप का स्ट्रक्चर होता है और वी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो आपको कुछ वहां पर सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी पी टाइप और वी टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे अगर वहां पर पी वी टाइप में थ्री ए थ्री बी ऐसी सबयूनिट है, तो वैसे ही एफ टाइप के अंदर आपको तीन अल्फा तीन बीटा सबयूनिट वहां पर देखने को मिल सकती है। मतलब उस तरीके से वहां पर स्ट्रक्चरल एफिनिटी हो सकती है। क्लियर? यस यस अपराजिता, नॉर्मल सेल्स पे भी पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होंगे। कैंसरस सेल्स के इस केस के अंदर उनका नंबर जो है वो ज्यादा हो सकता है। अरु, क्या दिक्कत आ रही है आपको? क्यों नहीं हो रहा है? आपका एरर कोड क्या है वो हमें एक बार बता दीजिए। यस आरफा, होने चाहिए। बाकी लोगों ने भी डाउनलोड किए, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आई। आरफा, स्पेसिफिकली आपको कैसे पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है? अगर आपके पास दो डिवाइस होंगे श्रेया, तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लैपटॉप और मोबाइल दोनों चीजें होगी तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर है? तुबा, आप कल का लेक्चर देखिए। तुबा समर, आप कल का लेक्चर देखिए। कल के लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया है कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे रखा है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आप बाद में, तो भी आपको वहां पर क्या मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा। वहां से आप वहां पर जा सकते हो। यूजर नेम आप खुद का बनाइए, जो मैंने डाला था वो नहीं डालना है आपको। आप खुद का यूजर नेम बनाइए। ओके, देखते फिर पीडीएफ 7 से एक्सेस डिनाई आ रहा है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो चलो देखते हम एक बार वहां पर क्या होता है। सचिन, कल के लेक्चर में आप लास्ट में देखोगे तो आपको वहां पर पूरा प्रोसीजर बताया गया है। ओके, एक बार देखता हूं मैं और फिर इसको हम कल के लेक्चर में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्लियर यहां तक? हाँ, चलो इसको एक बार हम देखते हैं। सही, यहां तक तो आज के लिए जो है हम इतना ही करेंगे।
बाकी जो चीजें हैं वो हम कल पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम कल मेंटी क्विज भी करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, अगर आपको कोई डाउट है तो आप आराम से यहां पर पूछ सकते हो। क्लियर है? यस सारिका हो गए सर पीढ़ियां लोग, वेरी गुड। सारिका के तो सारे हुए, बाकी लोगों को क्यों नहीं हो रहे? ओके देखते एक बार इसमें क्या है। विद इन टू आवर्स इस इशू को हम रिजोल्व करते हैं, तो आप आराम से पेशेंस रखिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल जो है हम मेंटी क्विज और बाकी जो बची चीजें उनको करेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ के आइए आज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। आज का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ के आइए ताकि आपकी बहुत सारी चीजें आपको जो है वो कल आप मेंटी क्विज में उसको अप्लाई कर सकते हो। 6 o'clock आना है आपको शार्प, कल 6 o'clock से ही स्टार्ट होगा। यस विकास सिंह, हम देखेंगे उसको, हाँ करेंगे। सुनीता, सेकेंड रिएक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी कंटिन्यू करेंगे, उसको मैं कहीं ना कहीं पर कवर कर लूंगा। आगे है वो, अभी नहीं पढ़ते उसको, आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसको मैं बताऊंगा पैच क्लैंप क्या है, डोंट वरी अबाउट दैट। यस बिल्कुल करेंगे। तो चलो, जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है वो लोग जल्दी से लाइक करें, जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक करें। वेलकम यामिनी, स्वस्ति, प्राची, प्रियंका, अमित कुमार, वेलकम प्रियंका, मेघना सुब्बा, अपराजिता, लक्ष्मी, खुशबू। कल के लेक्चर में दूंगा मैं, आज नहीं होगा, कल के लेक्चर में दूंगा मैं आपको। वेलकम विकास, वेलकम टीना कुमारी। हाँ जल्दी आएंगे, उसके ऊपर भी करेंगे टीना कुमारी लेक्चर। उस तरीके का ग्रेडियंट वहां पर होना चाहिए सौम्या, वो नहीं होगा तो उस तरीके से काम वहां पर नहीं बनेगा। थैंक यू सो मच रोहन, वेलकम बायोमेड साइंस हब, वेलकम माधुरी, अश्विनी, यस देखते हैं उसको हम। यस कुलदीप, हाँ कागज सर बायोलॉजी एक बार एक्शन पोटेंशियल लेक्चर आप फिर से देखिए, आपको वहां पर सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच वंस अगेन, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लोग फिर एक बार लेक्चर को लाइक करें। वेलकम खुशबू, वेलकम अल्फा बीटा गामा, थैंक्स अ लॉट एवरीवन।